नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की, किंग्स इलेवन पंजाब, जिनके पास सबसे मोटा पर्स था इस ऑक्शन में। उन्होंने कौन से नए बाइस किए हैं, बहुत दिलचस्प है ये सारा का सारा टेक अवे कि उन्होंने अपनी टीम को कैसे बनाया। कुछ बहुत महंगे खिलाड़ी, कुछ बहुत सस्ते खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी बेस प्राइस पर भी मिले हैं। क्या है ये पूरी की पूरी टीम, कैसे उन्होंने अपने आप को रिबिल्ड किया, उसे भी जान लीजिए। क्योंकि पंजाब की टीम में आज के बाइस में डेविड मलान 1.5 करोड़, जॉय रिचर्डसन 14 करोड़, शाहरुख खान 5 करोड़ 25 लाख, इनके लिए हमने अलग से स्टोरी भी की है, वो भी आप देख सकते हैं। रॉयल मेरिडिथ, इनके लिए भी अलग से स्टोरी की है, बिग बैश की खोज है, बहुत तेज गेंद करते हैं, ब्रेटली जैसी रफ्तार, 8 करोड़ रुपए इनकी नाम राशि इनके नाम हुई है। मोजेस ऑनरिक्स 4 करोड़ 20 लाख रुपए, जलद सक्सेना 30 लाख रुपए, उत्कर्ष सिंह 20 लाख रुपए, फेबियन एलन 75 लाख रुपए, सौरभ कुमार 20 लाख रुपए। बहुत सारे बाइज हैं, काफी पैसे निकाले पर्स से, बहुत सारे पैसे थे भी, 53 करोड़ रुपए ऑलरेडी थे। तो ऐसे में इस टीम के पास बहुत सारे पैसे अब आप देख सकते हैं। लंबी लिस्ट है, केएल राहुल कप्तानी करेंगे, मयंक अग्रवाल है, क्रिस गेल है, इन सारे लोगों के साथ अब जो डेविड मलान जुड़ेंगे, अच्छी बल्लेबाजी, जॉय रिचर्डसन अच्छा कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, शाहरुख खान एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अच्छी बल्लेबाजी उनकी सैयद मुश्ताक में रही थी। तो पंजाब की टीम के पास कुल मिलाकर एक बार फिर उन्होंने खुद को रिबिल्ड करने की कोशिश की है। पिछले सीजन में जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको छेड़ा नहीं, और जिन्होंने अच्छा किया नहीं था उन्हें छोड़ा नहीं, और नए खिलाड़ी वो अपनी टीम में लेकर आए हैं। दिलचस्प ये रहेगा कि जिस तरह का पैसा इस टीम ने लगाया है जॉय रिचर्डसन पे, क्या उस तरह के एग्जीक्यूशन को ले पाएंगे, क्योंकि गेंदबाजों को भर भर के पैसा मिला है। सिर्फ इस सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले सीजन भी हमने देखा था 15.5 करोड़ रुपए में पैट्रिक कमिंस गए थे। लेट्स सी पंजाब की टीम इस सीजन क्या करती है, चकदे फट्टे होगा या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। अब तो नाम भी बदल दिया है, किंग्स इलेवन पंजाब नहीं, ये पंजाब किंग हो गए, पीके हो गए, और इसलिए देखते हैं क्या, जैसे दिल्ली की चीजें बदली, पंजाब की भी बदलेंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।